जय अवे के मारे परेशान रहते हैं जय। अब पूजा कहाँ करने चली हो? तो पूजा हुए नहीं दे रहा। कौन नहीं दे रहा? वो नहीं दे रहा। दे दो बिटिया, दे दो, फिर मंगा देंगे। दे दो, ये छोटी है, ये प्याली है, ये और तुम भले हो गए हो प्याले होके। दे दो, लॉलीपॉप खाओगी? लॉलीपॉप लोगी? पूजा उजा से निकल। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम पापा के लिए नमक पीस रहे हैं। पापा ने बोला तो हमने कहा चलो उनको मन होगा, क्या पता अच्छा लगता हो हमारा, तभी हमें बोला, नहीं तो इतने दिन से नहीं बोल रहे थे। और वहाँ पे नमक पापा के पास भेज दिया और ये खाना खा रहे थे शाम के टाइम में। और आवाज़ सारी हटानी पड़ रही, पता नहीं क्यों पेड़ में इतनी ज़्यादा कीड़ों की आवाज़ आती है, सू एकदम सू 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 होता है, तो एकदम अजीब सा लगता है। वो पता नहीं पहले नहीं आती थी पेड़ों में इतनी आवाज़, अब इतने कीड़े कहाँ से आ गए, क्या हुआ? और ये यहाँ पर आम छील रहे, जो आम तोड़ के लाए थे वो छील रहे। भाभी अचार बनाएंगी और हमने तो ये नमक और मिर्ची वाला बनवाएंगे, वो अच्छा लगता है, सादा सादा सिंपल सा ये हमें पसंद आता है, तो इसलिए वो सिंपल वाला ही बनेगा। बच्चे सब खेल रहे और ये अचार भाभी ने बना दिया, नमक और वो सब मिला के रख दिया। नमक और मिर्ची इसमें और कुछ नहीं है ज़्यादा, इतना ही। और ये अचार जो होता है चाहे दाल में डाल लो, चाहे सब्जी में डाल दो, और चाहे चटनी बना लो, ऐसे भी खाओ, अच्छा लगता है। तो ये दबा दबा के भाभी भर देंगे कल। इनके पेट में दर्द होते, फिर काहे पपीता खाई रही परी? गैस खत्म कर रही हैं। जी तुम बड़े लोग खाना खा चुके थे, फिर पपीता लाए हैं, केले, पपीता। पापा के यहाँ बहुत हैं और केले मीठे हैं, लेकिन बच्चे खाते नहीं हैं। हम ही लोग खाएं तो खाएं, नहीं तो बच्चे नहीं खाते। और ये केले रखे रहते हैं, इतने इतने लाते हैं। और बिटिया रानी नहा चुकी है सुबह सुबह, सुबह क्या दोपहर होने जा रही होगी, 8-9 का टाइम। और ये बच्चे देखो कितना मार रहा है इसको, ये शैतानी कर देता है एक बार फिर बहुत कुटाई होती है। और खुश है। और यहाँ पर ये शादी की तैयारी चल रही, तो यहाँ पे सब बातें कर रहे बैठे। और लड़की की मम्मी ये हैं जो ढोलक पकड़े बैठी हैं, ये हैं। और बेचारी बहुत परेशान है क्योंकि ये विधवा है, इनके हस्बैंड नहीं है, तो ये परेशान है कि कैसे होगा, क्या होगा, और अकेले कैसे कर पाएंगे। तो सभी लोग बता रहे हैं कि कुछ नहीं, सब हो जाएगा, एक दूसरे के सहयोग से ही सब होता है। तो उनका मन भरने के लिए हम लोग सब लोग बैठे हैं, बता रहे हैं, तो खुश हो गई। और इनको ढोलक बजाने का बड़ा शौक है, सबको बुला लेती हैं कि हाँ सब लोग ढोलक बजा दो। हमारे मम्मी को भी था, जब हम लोग की शादी होती थी तो वो ढोलक बजाने के लिए सबको बुला लाती थी पास पड़ोस से कि हाँ चलो बजाओ चल के। और ये बजा लेती हैं, लेकिन बेचारी दौड़ते दौड़ते थक जाती हैं, तो इनसे इतना नहीं हो पाता। डांस भी बहुत अच्छा करती हैं, आगे वीडियो में दिखाएंगे कि ये डांस कैसा करती हैं। और ये कर रही हैं लड़ाई, थोड़ा सा इनका दिमाग भी थोड़ा कम है, तो ये लड़ाई कर रहे हैं कि कोई हमारा काम नहीं करवाने वाला, आटा नहीं छनवाने वाला, ये है वो है। तो सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो। और यहाँ पर बिट्टू भी बैठी हैं, शैतानी कर रही हैं, अपना पढ़ाई लिखाई या तो रोटी बनाने लगती हैं, कुछ ना कुछ करती हैं, बिना किए नहीं रहा जाता। और शिवम भी ढोलक के बीच में ही बैठते हैं, इनको भी कुटाई उटाई खा के आए हैं अब, तो बोल रहे लाओ हम ही बजाएंगे ढोलक।
खांसी आ गई तो बोल रहे हैं कि अब नहीं बजाएंगे, अब नहीं बजा पाएंगे। ये इनकी मम्मी हैं जो पड़ोस में बैठी हैं बीच में, ये मम्मी हैं। हमारे यहाँ बाजा वजरा बाजू की आवाज़ें आ रही हैं। भाभी यहाँ पे बैठी समझा रही हैं कि सब लोग मिल के करवा देंगे। और शहर में अच्छा है पैसा, अगर जिसके पास पैसा है वो पैसा फेंको और तमाशा देखो, सारा काम हो जाता है। और चाहे घर का हो चाहे कुछ भी हो, सब काम हो जाता है। लेकिन गांव में क्या होता है कि गांव में नहीं काम वाले जल्दी मिलते हैं और उतना पैसा भी नहीं होता है कि जो काम करवा सके कोई। तो यहाँ पर आटा छानने जा रहे हैं सब लोग। भेजा जाता है सीधा जो होता है आटा चावल, ये सब भेजे भी जाते हैं। तो बोल रहे हैं ढोलक बजा दो, तो हमने कहा चलो हम ढोलक बजा रहे बैठे। तो अपनी अपनी सब बातें कर रहे हैं, वो बेचारी परेशान है इसलिए गुस्सा हो जाती है। जब कोई करने वाला घर पे होता है तब तो परेशान हो जाते हैं हम लोग, अगर बिटिया की शादी है लड़के की, और जब कोई करने वाला नहीं तब तो परेशानी वाली तो बात ही है। लेकिन सहयोग सहयोग से सब हो गया, सब कुछ निपट गया। आगे वीडियो में हम आप लोग को दिखाएंगे कैसे शादी हुई। और यहाँ पर ये पुतू बना रही थी डिजाइन सबके, ये डिजाइन नाखूनी से, ये देखो। तो हमने कहा हम भी देखें बना के कि कैसे बनती है, हमें बनाना नहीं आता लेकिन आज कोशिश करेंगे बनाने की। और ये चारू भी अपने बनाने जा रही हैं, डिजाइन तो नहीं बना पाएंगी लेकिन ऐसे ही लगाएंगी। सब लोग खाली बैठे हैं तो अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना सज रहे बैठे। और ये भी बैठी हैं जिनके यहाँ शादी है, तो वो भी बैठी हैं, वो सोच रही कि ढोलक बजा लें चल के सब, इसलिए। और इनको गाना बजाना अच्छा लगता है, इनका थोड़ा सा दिमाग कम हो गया तो इसलिए ये अपना फिर साउंड ले आई हैं। ये साउंड दिखाने आई हैं कि ये बजाएंगे, तुम लोग ढोलक नहीं बजा रहे इसलिए अब ढोलक बजाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये हम बजाएंगे। और तो सब लोग हंस रहे हैं कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है। और ये 400 पता नहीं 500 का ये लेके आई छोटा वाला। तो मामी ये गुस्सा रही हैं कि तुम्हें जो करना है वो नहीं कर रही हो और फालतू के बवाल में पड़ी घूम रही। Oh, 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 oh
यही था आज का ब्लॉग, ये डिजाइन बना रहे हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।